मुख्यमंत्री के स्पष्ट तौर पे कहना चाहिए हमने कि जब तक हमने मिलबो ना है तब तक हमने हिलबो ना है। हमारे गांव से अबथुन लॉक ही अभी हमने 50-60 को लॉक ही हो गांव के हम यहाँ सरकार के लंका डाय देवे हमने तय करके अले की जी जब तक मिलबे ना अब तक हिलबे ना। मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे हैं, इतना विलम्ब हो रहा है, रांची के लिए उतना बुरा हो रहा है। मच्छर लोग तो बार बार उठा के हमको मुख्यमंत्री आवास तरफ ले जा रहा है, हम लोग फिर उठ के आ जा रहे हैं। लंबी लड़ाई जितनी होगी उतना मजा आता है जीत में, हम एकदम सोच कर आए हैं। तुझे गुरूर है ऐ सरफिरे तूफान, तो हमें भी जिद है कि दरिया के पार जाना है। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। इसी हौसला और आत्मविश्वास के बल पर पदयात्रा कर लंबी दूरी तय करने के बाद क्रांतिकारी युवा तीर्थनाथ जी पदयात्रा तय कर झारखंड की राजधानी रांची पहुँचे हैं और राजभवन के पास धरना पर बैठे हैं। और एक ही जिद है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी बात कहकर ही यहाँ से जाएंगे। और यहाँ आज इनका तीसरा दिन है, तो आइए तीर्थनाथ जी से जानते हैं कि आज तीसरे दिन पर उनकी क्या स्थिति है। तो आप सरकार के प्रति इतना आक्रोशित क्यों? कहाँ आक्रोशित हूँ, आक्रोशित रहते तो वो मार धाड़ करते, प्यार मोहब्बत से बैठे अंगूर खा रहे हैं, दुस्का खा रहे हैं। देखिए उधर कोई आक्रोश, किसी से हम लोगों का कोई आक्रोश नहीं है, हम लोग की किसी से नाराज़गी नहीं, अपने मुद्दों के साथ बैठे हैं बस। रात कैसे गुजर रही है? मज़े में गुजर रही है, मच्छर काट रहा है। मच्छर लोग तो बार बार उठा के हमको मुख्यमंत्री आवास तरफ ले जा रहा है, हम लोग फिर उठ के आ जा रहे हैं। इतना मच्छर है, बाथरूम की सुविधा नहीं है। ये लोग जब सब मेरे गाँव जाते हैं, मुख्यमंत्री मंत्री लोग जब हमारे गाँव जाते हैं स्कॉर्पियो से या बड़ी बड़ी गाड़ियों से लावा लश्कर के साथ, और जब उतरते हैं तो हम लोग स्वागत करते हैं लोटा में पानी लेके, बैठने के लिए कुर्सी देते हैं। इनकी इतनी औकात नहीं पाई कि एक बाथरूम दे पाए हमारे लिए, इतनी बुरी स्थिति है। जा रहे हैं जिधर तिधर, ज़्यादा भीड़ होगा तो इधरे कहीं कहीं जाएंगे, अभी तो फिलहाल जा रहे हैं 10-20 रुपया दे के, लेकिन वो भी ख़त्म हो जाए तो क्या जाएंगे, जाएंगे जहाँ तहाँ रांची को घूमे कर देंगे, फिर उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। हैं लोग हैं जो लोग हमारे मुद्दों के साथ हैं, जन मुद्दों के साथ हैं, झारखंडी मुद्दों के साथ हैं, वो फल पहुंचा दे रहे। आप देख सकते हैं हमारे गांव से गोभी आया है पूरा एकदम, एक बोरा चावल आया है, दाल आया, अब यहीं खाना बनेगा। हम लोगों ने एकदम डेरा डंडा डाल दिया है, जब तक मिलबो ना है तब तक हिलबो ना है का नारा के साथ, जब तक आजकल कर रहे हैं लोग। पता नहीं, कोई कोई अधिकारी लोग आते हैं, सबको थोड़े पहचानते हैं, कोई कोई आते हैं मिलवा देंगे बोलते। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सोच ही क्या है, लंबी लड़ाई जितनी होगी उतना मज़ा आता है जीत में, हम एकदम सोच कर आए हैं। हम ये जो 10-15-50 लोग आपको दिख रहे हैं ना, ये मैसेंजर हैं, ये अपने गांव का संदेश लेकर मुख्यमंत्री के पास आए थे, अपने गांव के, अपने मेरे पिताजी के, अपने पुरखों के आवाज़ को लेकर हम रांची आए थे। मुख्यमंत्री मुलाकात कर लेते तो बहुत अच्छा होता, मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे हैं, इतना विलम्ब हो रहा है, रांची के लिए उतना बुरा हो रहा है। इसके बाद आप क्या कदम उठाएंगे? आएंगे लोग गांव से ट्रैक्टर बन रहा है, गांव में बैलगाड़ी सज रहा है। कब तक शांति से बैठने का इरादा है? हम लोग सोमवार मंडे की बातचीत है, कुछ लंबोदर महतो जो विधायक वो आए थे हम लोगों से मिले, उन्होंने कहा कि मुलाकात कराएंगे, मिल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वही है कि हम लोग फिर आह्वान करेंगे अपने गाँव के लोगों को आने के लिए। जब गांव से लोग आना यहां शुरू करेंगे तब सरकार को समझ में आएगा कि गलती कर दिए नहीं मिलते। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, हम लोग तैयारी के साथ आए हैं, हम लोग लंबी तैयारी के साथ आए हैं। मुख्यमंत्री के स्पष्ट तौर पे कहना चाहिए हमने कि जब तक हमने मिलबो ना है तब तक हमने हिलबो ना है। हमारे गांव से अबथुन लॉक ही, अभी हमने 50-60 को लॉक ही हो गांव के, सब गांव से अलग अलग गांव से आए लथुन सब, कोई चतरो चट्टी से हो, कोई बगोदर से हो, कोई गोमो से हो, कोई तपचाची से हो, कोई पेटरवायर से हो, कोई कसमार से हो, अलग अलग गांव से सब आए लथुन अपन गांव गांव के संदेश लेकर। और हनुमान गए लथुन जखन रावण थीन राम के संदेश लेकर, तखन रावण में हनुमान के अपमान कर ले तो लंका डह गए। हमनिक भी अपमान होते हैं, हमारे माए के भाषा का अपमान होता है, हमारे माए के आशीर्वाद के अपमान होता है, हमारे बाप दादा का अपमान होता है, हमारे अस्तित्व के अपमान होता है, हमारे गांव के अपमान होता है। हम यहाँ सरकार के लंका डाय देवे, हमने तय करके अले की जी जब तक मिलबे ना अब तक हिलबे ना। आज हमनी के तीसरा दिन भय चुकल है और हमनी सरकार से एटे मांग कर रही कि हमनी धनबाद से
आज 21 तारीख से चलल है और यहाँ पहुँच के आज हमने के यहाँ 36 घंटा भे गए, मगर सरकार अभी तक हमने के कोई सुनवाई ना है। हमने चाह रही कि सरकार हमने से मिल बात कर, हमने मने समस्या टा के समाधान कर, मगर अभी तक किसी प्रकार के कोई मने सूचना ना दिल कि तोहनी से हमने मिलबो की करबो से। आक्रोश कहाँ है, हम लोग तो अपने चुने हुए राजा के पास मिलने आए हैं, हम लोग जनता है ना, तो हम लोग के पास जो कुछ भी समस्या है हम मिल के तो उनसे बात रख ही सकते हैं, तो उनको मिलने में क्या हो रहा है। तीसरा दिन है, देखिए मच्छर पूरा काटा हुआ है, हम लोग कैसे सो रहे हैं यहाँ पर, पत्थर पानी पड़ रहा है, वो कभी ख्याल भी करे अपना जनता जनार्दन को, हम लोग कहाँ कोई क्या कर रहे हैं। हम चतुरोचट्टी क्षेत्र, हम होरलुंग पंचायत से हैं, बोकारो डिस्ट्रिक्ट से, बस ऐसा ही हमारे भाई लोग यहाँ पर स्टूडेंट लोग जो हैं, दादा भैया सब जो रांची में रहते हैं वही सब पहुँचाते हैं। कितना कष्ट में है ये कभी कोशिश करे तब ना सरकार कुछ पहल तब तो हो। हम तो प्याजी से हैं, धनबाद। क्या कहना चाहेंगे, आज तीसरा दिन हो चुका है। जी हम लोग तो यानी 21 तारीख के निकले थे, यानी 4 दिन की यात्रा था पद यात्रा, उसके बाद आज 2 दिन यहाँ पे स्टे किए हैं। हेमंत सरकार ने आश्वासन दिया था कि मिलेंगे, लेकिन वो भी नहीं मिला है, और फिर बोले कि मंडे को मिलेंगे, 1:30 बजे समय दिए हैं। सरकार से मेरी यही मांग रहेगी कि यहाँ के स्थानीय नीति, उद्योग नीति यहाँ पे लागू करें, 1932 लागू करें, हमारे ये यहाँ के झारखंड की जो भाषाएं हैं 9 भाषाएं, उसको हर ज़िला में लागू करें, बाहरी भाषा यहाँ पे नहीं चलेगा। और आज जिस यानी व्यवस्था में जी रहे हैं हम लोग, झारखंडी थका हुआ महसूस कर रहे हैं, पूरा झारखंड में आज उलगुलान छोड़ चुका है 1932 को लेकर, ये उलगुलान चलता रहेगा जब तक हेमंत सोरेन जब तक 1932 लागू नहीं करेंगे, या उलगुलान चलता रहेगा। धन्यवाद। आपने 1932 खतियान का टी शर्ट पहन रखा है, इस पर आप क्या कहेंगे? 1932 का खतियान हम इसलिए पहने हुए हैं कि ये मेरा पहचान है, यही मेरा पहचान है, खतियानी हम लोग हैं, खतियानी पहचान है। हेमंत भैया दुमका में सभा में बोले थे कि रोड में आंदोलन करने से नहीं होगा, आप लोग रांची आइए मिल के बात करेंगे, तो रांची आए हैं, लेकिन सुनने में आ रहा था कि हम लोग सोचे कि हेमंत भैया पांठा उठा काट के रखेंगे, लेकिन हम लोग को तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ देख रहे हैं कि उनके तरफ से एक बोतल पानी का भी नहीं, जो भी है हम लोग का जो दया दृष्टि दिखा रहा है वो लोग अपना सामान दे रहे हैं, हम लोग ठंड में सो रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि हाँ ये लोग अपना माय माटी के लिए लड़ रहा है, उसके लिए वो लोग सामान उमान पहुँचा रहा है, और यही हम कहना चाहेंगे कि ये मेरा अधिकार का लड़ाई है, और हेमंत भैया भी यही माटी का पुत्र हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए था कि 1932 खतियानी उनको लागू कर देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कौन सा मानसिकता उनके अंदर चल गया है कि ये किससे डर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि वो 1932 से इतना डर रहे हैं। अरे सीधा सीधे आप 1932 लागू कर दीजिए, भाषा का मैटर ही सारा ख़त्म हो जाएगा, जिनके हाथ में खतियान रहेगा वही यहाँ का नौकरी मिलना चाहिए, बस जोहर जोहर। सबसे मरा चीज तो निया करना अलग जहाँ पे महल है जहाँ हंडे को ले तड़ाम के मोहदा खोए अरे उम्मीद और खुशी के तले तड़ाम ले जहाँ तड़ाम तले हैं कि मुख्यमंत्री महोदय खुद अलटे नपाम है और निया मेन करते कि नई मुख्यमंत्री ले बनाओ के दिया कि जहाँ ना अब दिसम रन कनाए अब ओड़ा रन कनाए और अब रन गिदार कनाए ताकि नई अब गपाहलो जहाँ कथा आजमा मुख्यमंत्री बनाओ के पहल ओड़ा ओड़ा हे एना मैन क्या कि मुख्यमंत्री इन बनाई पे निश्चित में ना झारखंड रेना मिट्टी नया रूप इन तैयारा और जो तो खुशहाली जिंदगी हुई हुआ मौज हुई हुआ लेकिन नित पता चला करना कि मुख्यमंत्री ओड़ा रेन तहें कहते रहो नित मने तो बनू तया जे आबोरेन अब हित लगे कमी है उनका तो बनू गया जब उनिया ओड़ा रे हे कहते नित बाय नपामो करना तो ना साफ बढ़ाए करना नुई तो नित झारखंडी और आदिवासी जहाँ जहाँ मने तान करना जहाँ दिल तान करना ओना तो बनू ते नित पूरा बदल चुका होना नुई तो अब झारखंडी और संतार तो हो तो भांग करना जब नित अब बाय उरूम बना मेनखान गप्पा हिलो तो निश्चित में ना कि 38 के बाय उरूम बना अब नित चलो ठीक है कुछ साल में ना कमी में लेकिन अगला लगे तो आलम सोचावा अब तो उनका के तहना जब पूर्व मुख्यमंत्री तो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए दो कमा और जो आम चैनल माध्यम से निया गेम ना करना जब आले इना संगीन को तड़ाम को तेले ना जहाँ आम बोकारो धनबाद में तहें खुद
इनका घर है बोकारो धनबाद में, वहाँ वो पले बड़े हैं, फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग वहाँ कितना कठिन परिश्रम करने के बाद हम लोग हम बोकारो हैं। मेरा पहले तो हम अपना परिचय दे देते हैं, हम बोकारो से हैं, मेरा नाम विक्की लोहरा हुआ, ठीक है। और मेरा कहना यह है कि हम लोग 21 तारीख को निकले से मोहदा मोड़ से, ठीक है, तीन रात बड़ी कट से हम लोग रात भर चले हैं, एक घंटा दो घंटा रात में सोए हैं, नींद भी अच्छा से पूरा नहीं हुआ था। 150 किलोमीटर हम लोग चल करके रांची आए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से, जो हम लोग के बड़े दादा भी है, ठीक है, हम लोग उनसे मिलने आए कि हम लोग की जो पहले मांग थी कि भोजपुरी मगही को हटाना है, भोजपुरी मगही अंगिका को, ये तो हटाए थे, लेकिन क्या बोलते जेटेट और जेएसएससी से नहीं हटाया गया था। लेकिन अब हमारा डिमांड हो गया है कि चार गजट संख्या 460/24/2021 को पूरी तरीके से हटाना है, और सारे जिलाओं में 9 क्षेत्रीय भाषा, जितने भी हमारे क्षेत्र पे जाए 9 क्षेत्रीय भाषा लागू चाहिए हम लोग को। कब तक, आखिर कब तक बैठाइएगा मुख्यमंत्री जी इनको? इनको देखने से साफ पता चल रहा है कि इनमें धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रांची से सहयोगी सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज, जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।